नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा कंप्यूटर ट्रेनिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फोन में कैसे यूज किए जाते हैं और फॉर्मूले कैसे यूज किए जाते हैं और एक फॉर्मूले के कितने तरीके यूज कर सकते हैं हम फोन के अंदर। तो दोस्तों आज बताएंगे इस वीडियो में हम आपको कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में हम कैसे चेंज करें। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने प्ले स्टोर से MS Excel को इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, तभी आप उस पर कर पाएंगे। तो चलिए, हमने इंस्टॉल कर चुके हैं इसलिए हम ओपन करते हैं सीधे। ओके, ओपन हो गया। ओपन करने के बाद आपको बताऊंगा सबसे पहले एक्सेल के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे मैं पहले कहूंगा, देखिए जो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं ना, ये अल्फ़ाबेट वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, इसे कहते हैं कॉलम। ओके दोस्तों, जो नंबर वाले सिलेक्ट हो रहे हैं 1, 2, 3, 4 जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं नंबर वाले, इसे कहते हैं रो। ओके दोस्तों, इतना क्लियर है। जो एक एक बॉक्स दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं सेल, और एक से ज़्यादा हो उसे कहते हैं रेंज। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कैपिटल लेटर से स्मॉल में कैसे करें, कैपिटल लेटर जो लिखा होता है उसे स्मॉल में कैसे चेंज करें। तो देखिए, मान लीजिए आपने एक लेटर लिखा है पूरा कैपिटल में, बट किसी ने बोले स्मॉल में करके बताइए मुझे, सारा स्मॉल में मुझे चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर उसे हटाओगे, फिर दोबारा लिखोगे, फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो उससे हमें ना करने के वजह हम कुछ फॉर्मूला ट्रिक कुछ यूज़ करें जिससे हमारा एक ही बार में हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैं धीरज लिख लेता हूँ। ओके दोस्तों, धीरज। ओके, धीरज लिख लिया मैंने। किस में लिखा, कैपिटल में, बट किस में करना है चेंज, मुझे स्मॉल में करना है, कैपिटल से मुझे करना है स्मॉल में। तो क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, इस पर बस इस पर आ जाना है आपको, धीरज पे नहीं, इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद आपको क्या लगाना है, इक्वल का साइन, मतलब बराबर का साइन। ओके दोस्तों, बराबर का साइन लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, लोअर, LOWER। ओके, लोअर लिख दिया। लोअर लिखने के बाद आपको करना है ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको देखना है जो धीरज लिखा है वो किस कॉलम में है। तो ध्यान से देखिए, ए कॉलम में है, किस कॉलम में, ए कॉलम में। तो हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए। ओके दोस्तों, ए लिखने के बाद अब आपको देखना है जो हमारा धीरज लिखा है वो किस रो में है, तो दूसरे रो में है। तो हम क्या टाइप करेंगे, टू, तो लिख देते हैं टू। अब देखिए सिलेक्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, कर देना है इंटर। देखिए जो कैपिटल में था स्मॉल में हो गया ना चेंज। तो ऐसे आपको करना है, ये है आपका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए मान लीजिए और कुछ लिख लेता हूँ मैं लिख लेता हूँ राजा। ओके दोस्तों, क्या लिख लेता हूँ, राजा। ओके, राजा लिख लिया, किसमें, कैपिटल में है, बट इसे किस में करना है, स्मॉल में करना है, स्मॉल लेटर में करना है। तो कैसे करेंगे, फिर आपको करना है इक्वल का साइन लगाना है, ये आपका दूसरा तरीका है स्मॉल में करने का। तो इक्वल का साइन लगा दिया। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है दोबारा लोअर। ओके दोस्तों, लोअर लिखना है। लोअर लिखते ही देखिए आपका ये जो नीचे है ना, सिर्फ LOW लिखा तो यहाँ पर आ गया लोअर। तो ये वाला इस पर क्लिक कर देना है आपको, क्या इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर दे रहा हूँ इस पर। क्लिक करने के बाद आपका पूरा आ गया, ब्रैकेट भी ओपन हो गया, क्लोज भी हो गया। आपको करना क्या है, देखिए जो राजा लिखा है ना, सिर्फ उस पर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको कर देना है इंटर। ओके दोस्तों, ये आपका है दूसरा तरीका कैपिटल से स्मॉल में करने का। और जो अब आपको क्या, आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल से कैपिटल में कैसे होगा, स्मॉल से कैपिटल में कैसे होगा। तो इस वीडियो को मैंने पहले ही बना चुका हूँ और जो अपलोड भी कर चुका हूँ, ये आपको मैंने बताया है कैपिटल से स्मॉल में कैसे करते हैं। और जो इससे पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था स्मॉल से कैसे कैपिटल में करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का हेल्प हो सके, और इससे जो अगली वीडियो होगी बहुत अच्छी होगी और अच्छी ट्रिक वाली होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, इससे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए ट्रिक के साथ।